अजनी पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस प्रशासन के काम में बाधा डालकर पुलिस को जान से मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तब ये जानकारी सामने आई थी कि कुछ दिनों पहले आरोपी ने कार सर्विस सेंटर से कार चुराई थी जिससे वो शहर में घूम रहा था। इस मामले में लिप्त आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में यश प्राप्त किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजेश राम गोपाल जायसवाल की पेपर बॉक्स बनाने की कंपनी है। उन्होंने एक माह पहले 10,80,000 रुपए की कार खरीदी थी। 3 मार्च को उन्होंने सफेद रंग की अपनी कार को खामला रोड पर प्रफुल्ल रेवतकर की खामला ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड सर्विस सेंटर में सर्विसिंग के लिए दी। सुबह करीब 11 बजे कार अतुल सुरवार के सुपुर्द कर चले गए। शाम करीब 4 से 4:30 बजे के दरमियान कार लेने पहुंचे तब उन्हें बताया गया कि उनकी कार चोरी हो गई है, जिसके बाद शनिवार को जब पुलिस अपने क्षेत्र के शताब्दी चौक पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करी थी, जिस दौरान एक सफेद रंग की टाटा नेक्सन कार के आरोपी ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा और रोकने पर कार की रफ्तार को तेज की, जिसके चलते एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। इस संदर्भ में अधिक जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने दी। कल सुबह 10:30 बजे के दरमियान में शताब्दी चौक पे ट्रैफिक अजनी के कुछ कर्मचारी भरारी पदक के वहाँ पे अपनी सरकारी कर्तव्य कर रहे थे। उस समय में ओमकार नगर चौक के तरफ से छत्रपति नगर चौक के तरफ में एक टाटा हेक्सॉन व्हाइट कलर की, जिसके आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं थी, वो वाहन चालक ने अपना वाहन चौक के बीच में आके खड़ा किया। इसलिए ट्रैफिक कांस्टेबल नितिन वर्टी ये उस कार को साइड में लेने के लिए जैसे सामने आए तो कार चालक ने जानबूझकर हेतुपुरस्सर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाया और उस ट्रैफिक चालक के आंख के ऊपर में गाड़ी चला के उसे जोरदार धड़क मारी और वहाँ से वो भाग गया, जिस कारण वो ट्रैफिक कांस्टेबल गंभीर जख्मी हो गए। उन्हें उनके साथियों ने अस्पताल में जाके भर्ती कराया है, वहाँ उनका अभी इलाज चालू है। हमने स्पॉट पे विजिट दी और उस कार चालक का शोध लिया, तब वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हमें जानकारी मिली कि 3 तारीख को उसने ये कार खामला के टाटा नेक्सॉन शोरूम से चुराई हुई है और उसके नंबर प्लेट तोड़ के ये सिटी में कार चला रहा था। उस जानकारी के बाद में हमने आजू बाजू के बस्तियों में उसकी जानकारी निकाली सीसीटीवी फुटेज पे से, तब हमें उसका नाम संदेश सिद्धार्थ भोयर, उम्र 32 साल, राणा शताब्दी नगर, ऐसा हमें मालूम पड़ा है। उसके ऊपर में इसके पहले भी काफ़ी घरफोड़ी, चोरी, विनय भंग के गुने इबीच पुलिस स्टेशन में दर्ज है। उसका हमने घर में शोध लिया, घर में मिला नहीं। उसका मोबाइल नंबर हमने लिया, उसके मोबाइल नंबर ट्रेसिंग पे से उसको हमने ढूंढा, तब वो मालूम पड़ा कि वो नागपुर शहर की सीमा के बाहर चले गया है। आजू बाजू के जिले के हमने बताया और उसका जैसा सा लोकेशन में ट्रेस होता था हम संबंधित पुलिस स्टेशन में उसकी जानकारी देते थे। इस मुताबिक कल वो रात को डुग्गीपारा पुलिस स्टेशन जिला गोंदिया में नाकाबंदी के दरमियान में धरा गया। हमने उसे वहाँ से वाहन और आरोपी को ताबे में लाया है और अभी हमारा अगला तपास चल रहा है। बता दें कि जिस व्यक्ति की कार चोरी हुई थी उसने प्रताप नगर थाने में लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद सर्विस सेंटर के मालिक प्रफुल्ल रेवतकर ने सर्विस सेंटर की कार चोरी होने की शिकायत प्रताप नगर थाने में दर्ज कराई थी। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।